नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। लेंस क्या होता है? एक पीस है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें जो रिफ्रैक्शन है ना, दो सरफेसेस पे होगी। जैसे इससे पहले हमने जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस किए ऐसे या इस तरह से थे, है ना, तीन में जो रिफ्रैक्शन है वो एक ही सरफेस पे होती है। इसके दूसरी साइड भी जैसे एक सरफेस बना दिया, दो सरफेस हो गई, वो लेंस बन जाता है। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व। तो एक में कर्व होनी जरूरी है। जैसे ये बाय कन्वेक्स लेंस, बाय कनकेव, दोनों साइड से कनकेव है, दोनों साइड से कन्वेक्स। एक साइड से देखो प्लेन, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, समझ गए। पर इसमें से देखो, इसमें दोनों में से एक तो कर्व है ना, एक प्लेन है, दूसरा तो कर्व है, तो दोनों प्लेन नहीं हो सकते, फिर वो लेंस नहीं होगा। सिंपली अगर दोनों प्लेन हो गए, सिंपली इसको स्लैब बोल लेंगे। ये जो स्लैब है, ठीक है, दोनों में से एक कर्व होना जरूरी है, तभी लेंस बोलेंगे। काफी सारे लेंस होते हैं, लेंस बहुत सारे होते हैं, बट हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो ये है। सबसे ज्यादा यूज होता है बाय कन्वेक्स, बाय कनकेव, जो इसको सिंपली कन्वेक्स भी बोल देते हैं, इसको सिंपली कनकेव। कन्वेक्स क्या है? थिकर एट मिडल देन इट्स एजेस। और कनकेव क्या है? थिकर एट एजेस देन इट्स मिडल। इसके बाद कुछ टर्म्स जो लेंसेज से रिलेटेड हैं, जैसे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस के मिडल में एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइट बिना डिफ्लेक्ट के निकल जाए, बिना रिफ्रैक्शन के लाइट सीधे निकल जाए, वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसको सी से लिखते हैं। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू इट। जैसे कन्वेक्स के केस में रेज अगर पैरेलल आ रही हैं, तो ना ये कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पे, एक्चुअली मिल गई रेज, ये फोकस है। और कनकेव के केस में जहाँ पे रेज मिलती हुई अपीयर होगी, जैसे ये रेज पैरेलल आ रही है ऐसे, तो ये रेज ऐसे डाइवर्ज होगी, पर ऐसे इस पॉइंट से जाती हुई अपीयर होंगी ऐसे, तो ये पॉइंट क्या है? फोकस। तभी लिखा है कि ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे रेज पैरेलल आ रही है वो एक्चुअली मिल रही है इस केस में, और अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई अपीयर हो रही है इस केस में, ठीक है जी, ये फोकस है। एक और है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें ये, तो इस केस में कन्वेक्स के केस में सी से एफ तक क्या है? फोकल लेंथ। इसमें ये सी से एफ तक क्या है? फोकल लेंथ। पर कन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी? पॉजिटिव। लाइट ऐसे जा रही है और सी से एफ, अब लाइट के डायरेक्शन में, और फोकल लेंथ जो न्यूमेरिकल में सोशियोलॉजी में लेनी है वैल्यूज, इसमें देखो लाइट ऐसे जा रही है आगे, हम सी से एफ की तरफ आ रहे हैं, माइनस ये नेगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स के लिए नेगेटिव होगी, कनकेव के लिए। इमेज फॉर्मेशन करते हैं बाय कन्वेक्स लेंस। पहला केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है रेज पैरेलल आएगी, पैरेलल आई रेज तो फोकस पे जाके मिलेंगी, सो इमेज बन रही है फोकस पे, बहुत ही ज्यादा छोटी, फोकस पे हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, और क्योंकि रेज एक्चुअल में मिल रही है सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट आपने 2f से दूर रख दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वे ऑन 2f, रेज पहले देखो अगर पैरेलल गई फोकस पे पास करेगी, है ना, ये रे पैरेलल गई है फोकस पे पास करेगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाए बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल गई, यहाँ जहाँ पे रेज इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे इमेज ए डैश बी डैश साइज में छोटी है ऑब्जेक्ट से और एफ के और टू एफ के बीच में, एग्जैक्टली ये लिखा है, देखो एफ के और टू एफ के बीच में, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस
रियल एंड इनवर्टेड है क्योंकि वैसे तो दिख रहा है क्लियर इनवर्टेड है बट रेज एक्चुअल में मिल रही है तो ये रियल एंड इनवर्टेड और इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से। और अगर आपने 2F पे रख दिया ऑब्जेक्ट रे पैरेलल में फोकस से सी से बिना डिफ्लेक्ट के तो 2F पे इमेज बन रही है अगर ऑब्जेक्ट 2F पे ठीक है जी। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस और रियल एंड इनवर्टेड है क्योंकि एक्चुअल में मिल रही है और दिख भी रहा है कि इमेज नीचे है साइज बिल्कुल सेम है इमेज का जैसा ऑब्जेक्ट होगा। फोर्थ पार्ट है इसका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F एंड F ऑब्जेक्ट ये रखा है पैरेलल रेंज आएगी तो फोकस से पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी तो 2F के दूर इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट से साइज में बढ़ेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हम आगे की तरफ लेके आ रहे हैं ना और इमेज नीचे की तरफ बड़ी होती जाएगी और इस तरफ जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा ये पैटर्न है इसका। सो इमेज इज फ्रॉम द बियॉन्ड 2F ऑन द अदर साइड क्योंकि रेज एक्चुअल में मिल रही है यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड और इमेज जो है वो मैग्निफाइड। फिफ्थ पार्ट अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे F पे अगर रेज पैरेलल आ रही थी इमेज कहाँ पे बन रही थी फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज फोकस पे ऑब्जेक्ट फोकस पे है इमेज इन्फिनिटी क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है रे पैरेलल गई फोकस से पास कर गई और सी से बिना डिफ्लेक्ट किए निकल गई ये पैरेलल जाएगी तो इन्फिनिटी में जाके मिलेगी अगर पैरेलल जाएंगी तो ठीक है इंटरसेक्ट नहीं करेगी ना तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी रियल एंड इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। और एक लास्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी एफ एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है अगर एफ के और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है रे पैरेलल गई एफ से निकल गई और सी से जाएगी तो ऐसे तो ध्यान से देखो तो ये डाइवर्जिंग है तो ये दो रेज तो नीचे जाके कभी मिल ही नहीं सकती तो अपीयर ऐसे होगा कि इस पॉइंट से ऐसे जा रही है दोनों तो यहाँ पे ऊपर इमेज बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट है ना उसी साइड सिंगल केस है जिसमें ऐसा है ठीक है ना इसी साइड इमेज बन रही है और मैग्नीफाइड। सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है और मैग्नीफाइड इमेज। लास्ट दो केसेस करते हैं कनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव। फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है रेज पैरेलल आएंगी उसके बाद डाइवर्ज होगी बट ऐसे अपीयर होगा कि फोकस से जा रही है सो फोकस पे मिलती हुई अपीयर होगी रेज। सो इमेज बन रही है फोकस पे क्योंकि यहाँ पे जो रेज है वो एक्चुअल में नहीं मिल रही मिलती हुई अपीयर हो रही है सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है और बहुत ही ज़्यादा छोटी हाईली डिफिनिश्ड इमेज। और सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ मर्जी रख दो इन्फिनिटी के और सी के बीच में ये एक ही तरह की इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट और साइज में छोटी हमेशा ऐसी इमेज एफ के और सी के बीच में। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है रे पैरेलल गई डाइवर्ज होगी अपीयर ऐसे होगा कि फोकस से जा रही है सी से जाए तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के जाएगी दो रेज यहाँ पे कट कर रही है बी डैश पे ए डैश बी डैश इमेज हो गई छोटी है एफ के और सी के बीच में वर्चुअल एंड इरेक्ट हाईली डिमिनिश इसमें तो इमेज नजर आएगी बट बहुत ज्यादा छोटी बन गई ठीक है बट नजर आ रही है तो सिर्फ इसीलिए डिमिनिश की। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो लेंस की फोकल लेंथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के दो रेडियाई रेडियाई ऑफ कर्वेचर दो होते हैं ना जैसे ये लेंस है एक इस साइड देखो आप ये इसका ये रेडियस है इस साइड देखोगे ये रेडियस है दो रेडियस होते हैं तो फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इनके बीच में जो रिलेशन है इस फॉर्मूला को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। समझ गए आप रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अब ये प्रूफ करेंगे हम ठीक है पर इसके प्रूफ में हम यूज करेंगे वो 6 केसेस जो हमने इससे पहले किए थे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस और डिफरेंट स्फेरिकल सरफेसेस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कनकेव यूज किया था ना वो उसमें उसका यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए
पर इसको प्रूव करने के लिए कुछ अजम्पशंस है। जैसे मैं आपको वैसे ओवरऑल बता दूं, इसकी अजम्पशन क्या है कि लेंस जो है ना बड़ा नहीं है, लेंस हम बहुत छोटा यूज कर रहे हैं, मतलब लेंस जो है वो थिन भी है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है, और सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ये तो आपको पता ही है, ये तो साइन कन्वेंशन है कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करनी है आपने सारे डिस्टेंसेस की। बट मेन है कि जो लेंस है वो बहुत छोटा है, वो थिन भी है, और अगर ज्यादा छोटा है तो उसका ऑब्वियसली अपर्चर भी क्या होगा, ये लेंस का अपर्चर है यहाँ से यहाँ पे, तो इसका अपर्चर भी क्या होगा स्मॉल। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और जो पॉइंट लेंगे हम, जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो पॉइंट की तरह लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये भी आपको पता है। और जो एंगल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा और गामा से, वो सारे हैं स्मॉल। तो ये हम मान के चल रहे हैं पहले से कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनानी है। इमेज भी कोई ऊपर नहीं कहीं भी बन सकती प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस पे, इमेज भी और पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। सो प्रूफ करने के लिए हमने एक लेंस कंसीडर किया जिसके दो रिफ्रेक्टिंग सरफेसेस हैं एक्स पी वन वाई और एक्स पी टू वाई, दो सरफेसेस ऐसे ये वाले जो रिफ्रेक्शन कर रहे हैं। सो कंसीडर अ लेंस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू, जिस मटेरियल का लेंस बना है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू, बाहर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन, प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन, ठीक है ये हमने कंसीडर किया। अब देखो ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये प्रूव करने के लिए हम दो बार रिफ्रेक्शन स्टडी करेंगे, पहले इस फेस में, क्योंकि अगर लाइट ऐसे आएगी सबसे पहले इसको टच करेगी उसके बाद इसको, सो पहले हम इस पे रिफ्रेक्शन स्टडी करेंगे। हम मानेंगे कि एज्यूम करेंगे ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जैसे ये लिखा है ना रिफ्रेक्शन एट एक्स पी वन वाई, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो व्हेन एक्स पी टू वाई इज नॉट प्रेजेंट, मतलब ये वैसे मैं अभी लिखवाऊंगा आपको, बट आप लिख सकते हो कि ये अभी प्रेजेंट नहीं है एक्स पी टू वाई, ये एज्यूम कर रहे हैं रिफ्रेक्शन पहले वाले पे। सो फर्स्ट स्टेप यही है रिफ्रेक्शन एक्स पी वन वाई पे, कैसे देखो मान लो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये ओ पे, सो ओ से रे गई यहां तक पॉइंट ए तक, ऐसे देखो ये सफेयर, देखो सिर्फ ये वाला सफेयर, अभी आप इसको ना देखो, ठीक है ये सफेयर है बस, क्योंकि रे इस पे जाके इंसिडेंट कर रही है ये वाला। सो सफेयर के सेंटर C1 से जो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, जो लाइन आपने C1 से ड्रॉ की ये नॉर्मल का काम करेगी। सो ये रे ऑब्जेक्ट अभी रेरर मीडियम में रे जा रही है रेरर से डेंसर, तो ऐसे जानी चाहिए आगे, बट होगा क्या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी क्योंकि रेरर से टेंशन जा रही है, ये बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा कि जैसे हमने वो किया था ना ये वाला केस स्फेरिकल सरफेसेस का। सो ये पूरा टेंशन मीडियम काउंट होगा, ये टेंशन है रेरर से टेंशन जा रही है, सो नॉर्मल ये है, तो ऐसे जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ऐसे, ये आई वन पॉइंट, ठीक है जी ऐसे बेंड हो गई, तो आई वन पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी, ये पॉइंट है यहां पे बी पॉइंट, ए से बी, बी से सीधा निकल गई, ठीक है अच्छा बी ए पॉइंट अभी चाहे आप रहने दो, क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं ना कि एक्स बी टू वाई प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ये प्रेजेंट है रे सीधा निकल गई, ये डॉटेड लाइन मैंने क्यों बनाई है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये प्रेजेंट नहीं है, अदरवाइज तो प्रेजेंट है ऐसे थोड़ी जा सकती है, बिल्कुल सीधा रे जा ही नहीं सकती, एज्यूम कर रहे हैं कि आई वन पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को मिल रही है। सो ये देखो लेट ओ बी द ऑब्जेक्ट विच लाइज इन रेरर मीडियम, और ये इंसिडेंट रे ए पॉइंट पे रिफ्रेक्शन हो गई इसकी ए पॉइंट पे और बेंड कर गई नॉर्मल ए सी वन, इन सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो नॉर्मल का काम करती है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गई और आई वन पॉइंट पे जाके मिल गई, तो आई वन क्या है रियल इमेज, इमेज है मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आई वन पे बन रही है, डन अच्छा अब
मैंने आपको वो 6 केस कराए थे, उसमें से ये वाला केस, सिंस ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम देयरफॉर, मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में लाई करता है तो रिजल्ट क्या आता है उसका, माइनस एन वन बाई यू प्लस एन टू बाई वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। इसका आर कहाँ पे है ये देखो, ये सरफेस लिया हमने, ये रेडियस है ठीक है जी, ये आर वन आएगा पी वन से सी वन तक आर वन ठीक है जी, ये समझ आया। हाँ जी, इसके बाद देखो डायग्राम से U आपके पास क्या है, देखो ये यहाँ पे इसकी वजह से रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो P1 से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है U, सो जो हमारे पास U है वो है P1 से, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो P1 से O तक आप क्या लिखोगे माइनस U, क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है, आप P1 से O तक आओगे माइनस U लिखोगे, एंड V बताओगे आप P1 से I1 तक, P1 से I1 तक V है आपके पास पॉजिटिव आएगा, सो U ये माइनस इस तरफ भेज दिया P1 को, U की और V की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, माइनस N1 बाय माइनस P1 हो प्लस N2 बाय V और N2 बाय V, V की वैल्यू P1 I1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय R1 ये आ गया। इसके बाद देखो हमने ये माना था कि जो लेंस है वो थिन है, थिन लेंस के लिए ये P1 और P2 इस C के पास लाई करेंगे कि नहीं, लेंस इज थिन तो P1 और P2 आर क्लोजली स्पेस टू C, क्लोजली स्पेस, तो सिंस लेंस इज थिन देयरफॉर जो P1 से O तक है उसको अप्रोक्सीमेटली कैसे लिख सकते हो आप, P1 से O तक आप CO लिख सकते हो इसको, और ये माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा, और P1I1 ये देखो जो P1 से I1 का डिस्टेंस है उसको CI1, ये क्यों किया, क्योंकि हमने assumptionally all the distances are measured from optical center C, C से measurement करनी है, तो ये equation आपके पास कितनी बनेगी, therefore ये N1 divided by P1 इसकी जगह C plus N2 और P1 I1 इसकी जगह लिख दिया C I1 is equal to N2 minus N1 by R1, equation number 1, इसको note करो equation number 1 पर, step 1 complete हो गया आपका। इसके बाद करते हैं स्टेप टू, स्टेप टू है रिफ्रैक्शन एट एक्स ए टू वाई, समझो अच्छे से, यहाँ पे रिफ्रैक्शन जब हम स्टडी कर रहे हैं अगर ये फेस प्रेजेंट हो, पहली बात तो हम ये स्फीयर कंसीडर करेंगे, इसका रेडियस सी टू से ए टू तक आर टू, जब ये प्रेजेंट है तो पॉइंट बी पे रिफ्रैक्शन हुई, ये रही गई पॉइंट बी पे रिफ्रैक्शन हुई, देखो ये नॉर्मल है ऐसे सेंटर से, इस सफेद ये है ना इसका सेंटर ये, ये नॉर्मल, तो ऐसे ये ऐसे जानी चाहिए, तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, ऐसे फाइनल इमेज बन रही है आई पे, क्योंकि ये प्रेजेंट है ना पी एक्स पी टू वाई प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बी से रे सीधा नहीं जाएगी, वो मुड़ जाएगी अंदर की तरफ, बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है आई पे इमेज बन गई, पर इमेज तो आई पे है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऑब्जेक्ट कहां पे है, आप सोचो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रे जो आती है ना इंसिडेंट रे वो ऑब्जेक्ट से आती है, सो पॉइंट बी पे जो इंसिडेंट रे है वो ये है ए से बी जो है, तो ये रे ऐसे इंसिडेंट कर रही है, इसका मतलब ऊपर से कहीं से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट हम ऊपर नहीं ले सकते, अजम्पशन क्या थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट विच लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे मिल रही है आई वन पे, सो आई वन जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में आ गया ना, देखो ये
सो आई वन को वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काउंट करेंगे. देखो दिस इन दिस केस आई वन एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. समझ गए जो मैंने आपको बताया एग्जैक्ट यही लिखा है. अब देखो यहाँ पे ये चेंज करेंगे. सिंस ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर, क्योंकि अभी रे जो है ना वो ए से बी की तरफ आई, बी पे रिफ्रैक्शन हुई, तो ए से बी की तरफ तो डेंसर मीडियम ही है, तो डेंसर से रेयरर अभी जा रही है रे. ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है तो जहां पे आपने पहले वन लिखा था वहां टू कर दो, टू की जगह कर दो वन. ये रिजल्ट था ना जो सिक्स केसेस हमने किए उसका रिजल्ट यही था. अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट बताइए, पॉइंट आई वन एक्ट कर रहा है ना ऑब्जेक्ट की तरह, पॉइंट आई वन वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो अभी ये ले रहे हैं देखो, तो पी टू से आई वन तक, पी टू से आई वन तक यू लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और लाइट की डायरेक्शन में ही है पॉजिटिव, और इमेज कहां पे बन रही है आई पे, तो पी टू से आई तक ये इमेज का डिस्टेंस लेंगे बी, पी टू से आई तक है बी. तो आपने क्या किया ये यू और बी इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर, और पुट करने के बाद ये देखो ये एन टू माइनस एन टू आई यू, यू की वैल्यू आपके पास कितनी है पी टू आई वन प्लस एन वन बाय वी, वी की वैल्यू कितनी है पी टू आई, और इस तरफ कितना है एन वन बाय एन टू बाय आर टू. और क्योंकि लेंस हमने थिन लिया है सो पी वन और पी टू दोनों सी के पास है, तो जहां पे आपने लिखा है पी टू उसकी जगह आप पी टू की जगह सी लिख सकते हो सी आई वन, और सिमिलरली पी टू आई को कैसे लिखा जा सकता है सी आई. सो ये इसमें पुट किया आपके पास कितना आ गया माइनस एन टू बाय सी आई वन प्लस एन वन बाय सी आई इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू बाय आर टू, इक्वेशन नंबर आगे टू नोट करो आप इक्वेशन नंबर टू तक. सो कल आपको दो इक्वेशंस मैंने करवा दी थी, एक इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास जो स्टेप वन हमने किया उसका रिजल्ट क्या आया था, स्टेप वन का रिजल्ट था एन वन बाय सी ओ प्लस एन टू बाय सी आई वन इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाय आर वन. हाँ जी ऐसा ही था. और जो आपको इसको इक्वेशन नंबर वन हमने दिया था स्टेप टू का रिजल्ट क्या था माइनस एन टू बाय सी आई वन प्लस एन वन बाय सी आई इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू बाय आर टू. बताओ ऐसा ही था, चेक कर लो ये दो इक्वेशंस, ये चेक करना एक बार एन वन माइनस एन टू बाय आर टू ऐसे ही था ना दो रिजल्ट, क्योंकि कल मैंने ये इक्वेशंस लिखे थे. अब इसके बाद आपने क्या करना है दोनों को ऐड करना है, चेक कर लेना इक्वेशन सही है ना. एडिंग इक्वेशन वन, एडिंग वन एंड टू, कल के बाद अब यहाँ से ऐड करो पहले लेफ्ट साइड इसकी प्लस इसकी भी लेफ्ट साइड माइनस एन टू बाय सी आई वन प्लस एन वन बाय सी आई, राइट साइड भी प्लस करो इसकी राइट साइड प्लस इसकी राइट साइड. ये देखो एन टू बाय सी आई वन माइनस एन टू बाय सी आई वन कैंसिल हो गया, जो बचा है उसमें से एन वन कॉमन आ रहा है, देखो एन वन इस तरफ अंदर और यहाँ पे n2 माइनस n1 बाय r1 इसमें से भी माइनस कॉमन लिया n2 माइनस n1 बाय r, ठीक है जी. देखो ये n1 c से o तक, आप बताओगे ये कितना है c से o, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है u होता है होता है ना, बट सी से ओ लाइट से अपोजिट चल रहे हो आप माइनस यू,
सी से आई, ये तो भी होता है यहाँ पे फाइनल इमेज बनी है, आई पे बनी है ना। सो ऑब्जेक्ट के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ लेंस के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर सी से आई तक वी होना चाहिए। ये मैंने वी लिख दिया, एन टू माइनस एन वन, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बच रहा है, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद देखो, बट अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं, वन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय वी, ये लेंस फॉर्मूला होता है। देयरफोर दिस इक्वेशन थ्री बिकम्स, देयरफोर इक्वेशन थ्री बिकम्स, ये इसको कैसे लिखोगे, देखो ये एन वन और ये क्या है माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय वी, इसके इक्वल है वन बाय एफ के। सो इसकी जगह हमने लिख लिया वन बाय एफ इज इक्वल टू यहाँ पे एन टू माइनस एन वन। एक काम करो, ये एन वन जो है ना उसको भी इसी साइड ले आओ, एन वन वन बाय आर वन बाय वन बाय आर वन, हाँ जी ठीक है। और ये वन बाय एफ इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर दो, एन टू बाय एन वन माइनस एन वन बाय एन वन, ये कैंसिल वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, और ये कितना आ गया वन बाय एफ इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन। मैंने आपको बताया था टेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बाय रेरर का, इसको सिंपली एन से डिनोट किया जाता है, एन लिख देते हैं एन टू बाय एन वन टेंसर बाय रेरर को। सो जो ये फॉर्मूला बन गया, आप चेक कर सकते हो, जब टॉपिक स्टार्ट करवाया तो लेंस मेकर फॉर्मूला यही था, इक्वेशन नंबर फोर which is required lens maker's formula, which is required lens maker's formula। ये lens maker formula आ गया आपके पास, topic complete। next topic करते हैं lens formula। lens formula क्या होता है, किसी भी lens की focal length, object distance और image distance में relation, ये है। मिरर फॉर्मूला आता है वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाय वी, बस लेंस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, यू के साथ माइनस लग, ये लेंस फॉर्मूला है ठीक है। सो पहले ये प्रूव करते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए, ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज का केस ले रहे हैं ठीक है। और मैंने ये इस पॉइंट को लिख दिया डी और इसको ज्वाइन कर दिया डी और सी को, ये रियल इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। सो सबसे पहले देखो जो ट्राइंगल है ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी के, ये देखो ए बी सी ए डैश बी डैश सी सिमिलर है और परपेंडिकुलर और बेस यूज करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स की रेशियो भी इक्वल रहती है। सो इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर ए बी, इसका बेस सी ए डैश, इसका बेस सी ए, इक्वेशन नंबर वन। ये ट्राइंगल होगी सिमिलर ए बी सी ए डैश बी डैश, अब ए डैश बी डैश एफ और सी डी एफ ये दो ट्राइंगल, ये भी सिमिलर है। नाउ ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी एफ, ये दो ट्राइंगल्स ठीक है जी। इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर सी डी, इसका बेस एफ ए डैश, इसका बेस सी एफ, ये इक्वल आ गए। हाँ जी एक मिनट समझो, पहले ये सी डी किसके इक्वल है, सी डी ये लाइन तो पैरेलल गई है ना रे, तो ये सी डी ए बी के इक्वल है ना क्लियरली। सो जो सी डी है वो ए बी के इक्वल है, यहाँ पे ए बी लिख लो ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश बाय सी एफ, इक्वेशन नंबर टू। ये देखो a dash b dash by ab, a dash b dash by ab from 1 and 2, equate कर दो इसको, from equation 1 and 2, ये c a dash by c a is equal to f a dash by c f, ये आ गए। अब ना हमने साइन कन्वेंशन ली थी, एक होती है साइन कन्वेंशन आपको पता है, all the distances are measured from optical center,
सी से देखो सबके आगे सी लगा, सिर्फ एफ ए डैश को छोड़ के। सो आप लिख सकते हो इसको भी, एफ ए डैश को कैसे लिखें, इसको एफ ए डैश सी ए डैश माइनस सी एफ, सी ए डैश में से सी एफ माइनस कर दिया, आपके पास एफ ए डैश है। अभी सारे क्या है, सी से स्टार्ट हो रहे हैं। सो अब बताओ आप, सी से ए तक का डिस्टेंस ये कितना है, यू यू है ना, बट आप लाइट से उल्टा जा रहे हो, सी से ए माइनस यू, सी से ए डैश, सी से ए डैश यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये बी इमेज जहां पे बन रही है लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव बी, क्योंकि लाइट के साथ आप जा रहे हो, और सी एफ, सी से एफ तक ये वाला फोकस यूज किया, फोकल लेंथ लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, और क्या रहेगा बस। सो ये इक्वेशन थ्री में पुट करिए, इक्वेशन थ्री बिकम इतना हो गया, सी ए डैश बी सी ए माइनस यू इज इक्वल टू सी ए डैश बी माइनस एफ बाय सी एफ ए बी एफ, सेपरेट कर लो आप इसको, एफ बाय एफ माइनस वन, एक काम करो ऐसे भी हो जाएगा बट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसे जल्दी हो जाएगा सॉल्व, ये बी एफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया माइनस यू बी माइनस माइनस प्लस यू एफ, अब ना यू एफ को इस तरफ ले आओ, माइनस यू एफ प्लस बी एफ इज इक्वल टू माइनस यू बी, इसे एफ कॉमन लिया आपके पास बचा माइनस यू प्लस बी इज इक्वल टू माइनस यू, एफ दूसरी तरफ यू बी इस तरफ ले आओ, माइनस यू प्लस बी माइनस यू बी ऐसे वन बाय एफ दूसरी तरफ, कितना आ गया, सेपरेट कर दो इसके बाद, जैसे आपने सेपरेट किया देखो ये माइनस यू डिवाइडेड बाय माइनस यू, ये प्लस वी डिवाइडेड बाय माइनस यू हो गया सेपरेट, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यू से यू वन बाय वी, वी से वी कैंसिल और माइनस वन बाय यू, ठीक है देखो बन गया, ये वन बाय एफ है, ये माइनस वन बाय यू है, प्लस वन बाय वी, ये बन गया लेंस फॉर्मूला विच इज रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला, विच इज रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला, इजी है ना, सिर्फ दो ट्राइंगल के दो पेयर को सिमिलर किया है। नेक्स्ट करते हैं कंकेव लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूला फॉर कंकेव, और कंकेव एक ही तरह की इमेज बनाता है, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है जी। सो रे ऐसे आ गई, अब ये होगा फोकस से जाती हुई, एक सी से जाएगी बिना डिफ्लेक्ट के, तो यहाँ पे इमेज बन रही है ए डैश मिडल, हमेशा एफ के और सी के बीच में ही बनती है इसमें, और जैसे हमने पहले किया ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सिमिलर है, तो इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाय इसका परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल टू इसका बेस सी ए डैश फिर इसका बेस सी ए, इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ सी डी एफ सिमिलर है, इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश इसका परपेंडिकुलर सी डी इसका बेस एफ ए डैश इसका बेस सी एफ हो गया, और जैसे पहले किया ये सी डी किसके इक्वल है ए बी के, सी डी की जगह लिख दिया ए बी, समझ लो पहले बस दो मिनट में आप लिख भी लोगे इसको, सी डी की जगह ए बी लिख दिया, अब देखो ए डैश बी डैश बाय ए बी, ए डैश बी डैश बाय ए बी सेम है फ्रॉम वन एंड टू, ये इसके इक्वल रख लिया। एफ ए डैश को आप कैसे लिख सकते हो, इसको सी एफ माइनस सी ए डैश, सो इसमें थोड़ा चेंज आएगा, सी एफ माइनस सी ए डैश, पूरे सी एफ में से सी ए डैश माइनस कर दिया, एफ ए डैश आपके पास ही आ गया, ठीक है सारे सी से स्टार्ट हो गए। अब सी से ए तक यहाँ पे बताओ आप, ये डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट का, यू लाइट से उल्टा चल रहे हो माइनस यू, सी से ए डैश बी होता है जहाँ पे इमेज बनती है बट ए भी लाइट से उल्टा जा रहे हो माइनस बी, सी से एफ ये वाला फोकस यूज हुआ है और ये फोकल लेंथ होगी, इसमें हर एक चीज नेगेटिव,
सारा नेगेटिव है। सो यहाँ पुट करो आप सी ए डैश माइनस वी सी ए माइनस यू इज इक्वल टू सी एफ माइनस एफ सी ए डैश माइनस वी, तो प्लस वी आ जाएगा, फिर सी एफ माइनस एफ, ये माइनस से माइनस खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करनी है, माइनस वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ प्लस यू वी, ठीक है। आप ये इस तरफ ले आओ, यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी, एफ कॉमन, एफ कॉमन लिया अंदर, यू माइनस वी इज इक्वल टू यू वी, एफ दूसरी तरफ जाएगा, यू और वी इस तरफ, इसको सेपरेट किया आपने, यू बाय यू वी, वी बाय यू वी इज इक्वल टू वन बाय एफ, वी से वी कैंसिल, यू से यू, सो आपके पास कितना आ गया, ये वन बाय एफ इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस वन बाय यू, ये वन बाय थ्री, ये लेंथ फॉर्मूला देखो बड़े नोट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। किसी लेंस की लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एम से इसको डिनोट करते हैं, और कन्वेक्स लेंस के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन पता करेंगे। और जो जैसे अभी आपको लेंस फॉर्मूला करने के लिए ये रियल इमेज हमने बनाई थी एग्जैक्ट दोबारा, बट इसमें ए बी सी ए डैश बी डैश सी दो ट्राइंगल आपने सिमिलर की, परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर लिए और बेस लिए दोनों के, साइड्स की रेशियो भी सेम होगी अगर सिमिलर है तो। सो ए डैश बी डैश साइज ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, ए बी ऑब्जेक्ट ऊपर है पॉजिटिव, सी ए डैश लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव, बी सी ए लाइट से अपोजिट माइनस बी, ये सारा यहाँ पे पुट किया, आई बाई ओ की वैल्यू आ गई बी बाई यू। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन होती है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आई बाई ओ ये आपके पास आ गया बी बाई यू, और किसी मिरर की आती है माइनस बी बाई यू, बट लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन आती है बी बाई यू, ओके। और जब आप मैग्नीफिकेशन करोगे कंकेव लेंस के लिए, और कंकेव लेंस आपको पता है एफ के और सी के बीच में बच्चों लेंस डायरेक्ट इमेज बनेगी हमेशा, तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी और ए बी सी सेम हम सिमिलर करेंगे, इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इसका ए बी और इसका फेस सी ए डैश, इसका सी ए। अभी बताओ आप ए डैश बी डैश ये है साइज ऑफ इमेज, आई ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, सी ए डैश लाइट से अपोजिट नेगेटिव, सी ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बट लाइट से अपोजिट है ये भी माइनस, तो यहाँ पे आपने पुट किया आई ये ओ सी ए डैश माइनस वी और माइनस यू, माइनस माइनस प्लस वी बाय यू आ गया, सो लीनियर मैग्नीफिकेशन इस केस में भी वी बाय यू।